देव दिवाली देखने वाराणसी पहुंचेंगी सदर द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी, गवर्नर आनंदीबेन भी रहेंगे मौजूद। 7 नवंबर को होगा देव दिवाली का मनसूबा बंदी। सीएम योगी का 2 रोजा ग्रेटर नोएडा दौरा, 31 अक्टूबर को डेटा सेंटर का करेंगे इफ्तिताह, 1 नवंबर को सदर द्रौपदी मुर्मू के साथ एक्सपो मार्ट के वाटर वीक में होंगे शामिल। सीएम योगी करेंगे हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार, 8 से 10 नवंबर को शिमला में आवामी इजलास, 12 नवंबर को होगी वोटिंग। उत्तराखंड बीजेपी रियासती दफ्तर में बड़ी बैठक खत्म, रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने ली बैठक, 9 नवंबर को हर मंडल में उत्तराखंड यौम तासीस के तौर पर मनाएगी बीजेपी। यूपी में 13 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में होगी भर्ती, 312 असातिजा के माहदे पर होगी भर्ती, हर एक कॉलेज में 24 असातिजा की होगी भर्ती। कॉलेज के सुधार के लिए चलाया जा रहा है मिशन निरामया। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन को का नोटिस, मुस्लिम यादवों के नाम हटाने के आरोपों पर मांगा जवाब, 10 नवंबर तक कमीशन के सामने रखने होंगे सबूत, 20,000 मुस्लिम यादवों के वोट काटने का अखिलेश ने लगाया था इल्जाम। कानपुर में डेंगू का खतरा बढ़ा, डेंगू की चपेट में आए 22 नए मरीज, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर को भी हुआ डेंगू, मरीजों की कुल तादाद 112। संबल में बीजेपी नेता की पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल, मामले की जांच के लिए एएसपी एसडीएम की मुश्तरका टीम तश्कील, सभी आरोपी पुलिसकर्मी एसपी कार्यालय से संबल। यूपी के गाजियाबाद में बॉडी बिल्डर का कत्ल करने वाला गिरफ्तार, ईंटों से सिर कुचल कर किया था कत्ल, निशानदेही पर पुलिस दूसरे मुलजिमों की भी कर रही तलाश। यूपी के प्रयागराज में ऑटो से फेंकी गई तालिबा की 1 महीने बाद इलाज के दौरान हुई मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अभी भी मुलजिम पुलिस की पकड़ से दूर। यूपी के आजमगढ़ में घूसखोर हेड कांस्टेबल हुआ गिरफ्तार, मुकदमे से नाम निकालने के बदले लिया था 70,000 रुपए, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई कार्रवाई। यूपी के कानपुर में कूड़ा घर पर गाय के मुंह में फटा बम, गाय बुरी तरह से जख्मी, एसपीसीए में चल रहा इलाज, पुलिस ने दर्ज किया पशु क्रूरता का मुकदमा। यूपी के बलिया में सपा विधायक संग्राम सिंह यादव के बेटे की गुंडागर्दी, गाड़ी खड़ी करने को लेकर कोतवाल से भिड़ा, पुलिस पिकेट के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। यूपी के कुशीनगर में रिश्वतखोर अधिकारियों से तंग, शख्स का सीएम योगी से गुहार, लेखपाल थाना प्रभारी को रिश्वत देने के लिए अपने अंग बेचने की मांगी अनुमति। यूपी के प्रतापगढ़ में एक व्यापारी की जरहरा जमकर पिटाई, गुंडों ने पीड़ित कारोबारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के गोंडा में दबंगों का तांडव, आसरा आवास कॉलोनी में 5 से 7 लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, महिला और उसके पति के साथ मारपीट। यूपी के गोंडा में इलाज कराने आई महिला के साथ दुष्कर्म, डॉक्टर ने क्लिनिक में किया रेप, आरोपी डॉक्टर अजमल गिरफ्तार। यूपी के बांदा में बेकाबू क्रेन ने 2 छात्रों को कुचला, दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र थे मृतक। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने गोली मारकर की नौजवान की हत्या, जमीन के विवाद में हत्या की वारदात खुद ही अंजाम। बाराबंकी के देवा इलाके में अचानक एक कच्ची दीवार और उस पर रखा छप्पर भर भरा कर गिरा, मलबे में 5 महीने के बच्चे समेत दबे 6 लोग, 1 महिला की इलाज के दौरान हुई मौत।
बुलंदशहर डीएम रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल में अस्पताल स्टाफ और मेडिकल संचालक ने युवक की जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल। मऊ में बेकाबू रोडवेज बस मिठाई की दुकान में घुसी, बाल बाल बची दर्जन भर लोगों की जान, स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। चंदौली में रफ्तार के कहर ने ली तीन युवकों की जान, तेज रफ्तार अपाचे बाइक सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराए, दो बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह के सभी जोन के डीसीपी एडीसीपी को निर्देश के बाद एक्शन, सभी एसीपी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च करें। बाढ़ में सिद्धार्थनगर जिले के मत्स्य पालकों को 112 करोड़ का नुकसान, सरकार से मदद की गुहार।